हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम लेके आए हैं AGIC का जो अभी पेपर हुआ है आज ही की डेट में, जिसका सेंटर था होम साइंस वालों का आजमगढ़, तो उसी का ये आंसर की है पेपर है और उसी की हम आंसर की सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें दो पार्ट थे। पार्ट फर्स्ट में जो था वो GS का पार्ट था, जिसमें 40 क्वेश्चंस थे, और पार्ट सेकंड में था जो होम साइंस का था, जिसमें 80 क्वेश्चंस थे, यानी कि 41 से 120 क्वेश्चंस तक जो थे वो होम साइंस के क्वेश्चन थे, और 1 से 40 क्वेश्चंस तक वो GS के क्वेश्चन थे। तो ये पेपर है पार्ट सेकंड का होम साइंस का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के इस पेपर, काफ़ी अच्छा पेपर आया था, सिंपल पेपर था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेवल हाई नहीं था बिल्कुल भी, और क्वेश्चंस गलत भी नहीं दिए हैं इन्होंने, थोड़ा कन्फ्यूजन है पेपर में। तो देखते हैं आज के इस पेपर में किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आंसर की मिलाइएगा आप लोग, और कुछ क्वेश्चन में हेर फेर भी रहता है करेक्ट आंसर की, अगर थोड़ा बहुत डाउटफुल है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे हिसाब से ही सही है, आयोग के हिसाब से भी वो सही हो सकता है। तो फाइनल आंसर की से आप लोग मिलाना अभी यहाँ पर एज आ ऑप्शनल आंसर की के रूप में हम लोग यहाँ देखते हैं, तरीके से बोलते हैं हम इसको अनऑफिशियल आंसर की, ठीक है। वैसे ग्रुप ऑफ होम साइंस का कोई भी मटेरियल अनऑफिशियल नहीं रहता, सारा ऑफिशियल ही रहता है, क्योंकि बेसिक जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं से वो फंसते ही हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये पेपर की आंसर की मैच करवाइएगा आप लोग भी, किसके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसी बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं हम लोग भी कि कितनी जा सकती है इसकी कट ऑफ, ठीक है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ कंट्रोलिंग स्टेप्स इन मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, व्यवस्थापन प्रक्रिया के नियंत्रण चरण में निम्न में कौन सी अवस्था सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इमर्जिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, या चेकिंग है, या एडजस्टिंग है। यहाँ पे पूछ कर रहा है फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ कंट्रोलिंग स्टेप्स इन मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो कंट्रोलिंग स्टेप्स आप मैनेजमेंट प्रोसेस की नहीं है। 41वें का बी ऑप्शन यहाँ सही है। 42वें देखते हैं, आ डैश कंसिस्ट ऑफ सबलिंग्स हु कंबाइंड देयर फैमिलीज टू शेयर रिसोर्सेज एंड वर्क, ठीक है। यानी कि एक डैश में सहायदार भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवारों के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ज्वाइंट और न्यूक्लियर फैमिली जो जानते होंगे उसी से ही संबंधित है, तो ये जो संबंधित है इसका सही ऑप्शन है ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। 42वें का सी, 41वें का क्या था बी, और 42वें का सी। 43वें का देखते हैं, पिगमेंट मटेरियल मेलानिन इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वर्णक पदार्थ मेलानिन त्वचा के किस स्तर पर उपस्थित रहता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है, स्ट्रेटम कैकम या स्ट्रेटम ग्रेमिनेटियम या स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम या स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है 43 का बी ऑप्शन सही है, क्या है बी, ठीक है। प्ररोही स्तर यानी कि स्ट्रेटम ग्रेमिनेटम जो होते हैं वो मेलानिन प्रेजेंट होते हैं लेयर आप स्किन में। 44 देखते हैं, कमोडिटीज एंड फैसिलिटी विच आर अवेलेबल टू द फैमिली विदाउट यूज ऑफ मनी, ठीक है। 44 क्वेश्चन है आज का ये पेपर का, रियल डायरेक्ट इनकम या साइचिक इनकम या मनी इनकम या रियल इनकम, ठीक है। 44 का यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ए सही है, ठीक है। जो रियल इनकम होती है वो कैसी होती है, वस्तुएं एवं सुविधाएं जो परिवार को बिना धन के उपयोग से उपलब्ध होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इनकम, ठीक है। 45 देखते हैं, ये असर्टेन रीजन का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड, ठीक है। कोड दिए हुए हैं यहाँ पे और उस हिसाब से आपको आंसर चूज, असर्टेन क्या है, लेआउट ऑफ ड्राफ्टिंग ऑन क्लॉथ बिफोर कटिंग हेल्प टू सेव फैब्रिक, ठीक है। ये क्या है, अभिकथन है, और कारण क्या है, ड्राफ्टिंग बिफोर कटिंग हेल्प टू मेक परफेक्ट गारमेंट विदाउट डिफेक्ट, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं, यानी कि काटने से पहले कपड़े पर ड्राफ्टिंग का लेआउट कर कपड़े को बचाने में मदद करता है। कारण क्या है इसका, काटने से पहले ड्राफ्टिंग दोष रहित उत्तम प्रदान बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, 45वें का यहाँ पे सी है, ठीक है, क्योंकि बोथ ए एंड आर ये जो है ये दोनों सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है 45 का। 46 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, रैपिड ग्रोथ रेट मसल कंट्रोल आर, यानी कि तीव्र वृद्धि दर तथा मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता होता है, न्यूनेटल स्टेज या इन्फेंसी स्टेज या अर्ली चाइल्डहुड या
लेट चाइल्डहुड, ठीक है। 46 का यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, जो इन्फेंसी स्टेज होती है उसमें सबसे तीव्र दर्द किस में होती है, मांसपेशियों पर तीव्र वृद्धि दर्द तथा मांसपेशियों पर नियंत्रण किस में होता है, सबसे ज़्यादा इन्फेंसी स्टेज में, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है 46 का। 47 देखते हैं, इन्फेंट्स रिटेन मोर आयरन फ्रॉम ह्यूमन मिल्क देन काउ मिल्क, ठीक है। ये अभी कथन है, यानी कि गाय के दूध की अपेक्षा शिशु मानव दूध से लवण अधिक धारण करते हैं। और रीजन क्या है इसका, द आयरन कंटेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क इज हाई इन कंपेरिजन टू काउ मिल्क, ठीक है। यानी कि गाय के दूध की तुलना में मानव दूध में लवण अधिक मात्रा में है। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है 47 का, ए ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है। 48 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल पॉइंटेड डार्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा नुकीला डार्ट है, फ्लैंज है या फ्रेंच है या फिश डार्ट है या ड्रेस मेकर है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 48 का वो सी है, ठीक है। फिश डार्ट जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डबल पॉइंटेड डार्ट बोलते हैं। 49 देखते हैं, मैच द चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिविंग कोड, ठीक है। यहाँ पे कोड दिए हुए हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे मैच करना है कि लूम किससे मैच कर रहा है, वार्प और स्क्रीन और पटोला, ये क्या है इस तरीके के, ये सब इनसो मैच करवाना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है कौन सा क्वेश्चन है, 49 का यहाँ सही ऑप्शन है ए, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ सही है, जो कि लूम की जो होता है उसमें क्या होते हैं, हार्नेस होते हैं, ठीक है। और वार्प जो होते हैं वो वार्प और वेफ्ट, ये दो प्रकार के यार्न होते हैं जो फैब्रिक को डिजाइन करने में मदद करते हैं। और सी जो है स्क्रीन क्या है यहाँ पे, वो प्रिंटिंग है एक प्रकार का। पटोला क्या है, वो टाई एंड डाई का एक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ विलेजर्स थ्रू गवर्नमेंट असिस्टेंट एंड विथ एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव ऑफ विलेजर्स इज ऑफ, ठीक है। यानी कि हिंदी में क्या कह रहा क्वेश्चन, ग्रामीणों तथा वायु में विकास सरकारी सहायता द्वारा ग्रामीण में प्रयत्न एवं प्रयास से करना किसका उद्देश्य, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या सामुदायिक विकास कार्यक्रम या मनरेगा या प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो बी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम 1952 में जो आया था उसका ये एक उद्देश्य है, ठीक है। उसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं इसको, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ विलेजर्स। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेप्स अकॉर्डिंग टू लुइस एलन आर, ठीक है। यानी कि लुइस एलन के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखते हैं। 51 का यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है, यहाँ पे जो है बी ऑप्शन जो है वो सही है, करेक्ट सीक्वेंस जो है वो बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। 52 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यूज ऑफ रेडियम एंड एक्सरे इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस डैश इन द इन्फेंट, ठीक है। यानी कि गर्भकालीन की प्रारंभिक अवस्था में रेडियम एवं एक्स किरणों गामा एक्स किरणें के प्रयोग से शिशु में डैश हो सकता है, हाइड्रोसिफैली, माइक्रोसिफैली, इन्फेक्शन या नर्वस इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो 52 का यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसिफैली, बी ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक है 52 का। 53 देखते हैं, सिप्पी डाइट इज गिवन इन, ठीक है। ये डाइट का नॉर्मल एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का क्वेश्चन था, सिप्पी डाइट जो है वो किस में देते हैं, ट्रीटमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन या ट्रीटमेंट फॉर डायरिया या ट्रीटमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर या ट्रीटमेंट फॉर ज्वाइंटेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम सिप्पी डाइट किस में देते हैं, ये पेप्टिक अल्सर के जो पेशेंट होते हैं उनको हम सिप्पी डाइट प्रदान करते हैं, ठीक है। 54 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मैच एंड चूज, ठीक है। ये मैचिंग का क्वेश्चन है और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको चूज करने हैं कौन से किसके हिसाब से ऑप्शन सही है। लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया है, लिस्ट सेकंड में क्या दिया है, लिस्ट फर्स्ट में फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी आप वैल्यूज दी हुए, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हम देखते हैं 54 का बी ऑप्शन यहाँ जो है वो सही है, ठीक है। 54 का बी ऑप्शन यहाँ सही है, क्योंकि ए का जो फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी आप वैल्यूज हैं वो क्या है, अनकॉन्वेंशियंस स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। और
रिलीजन्स, हॉनेस्टी, कस्टम्स, टैब्यूज़, ये क्या हैं? ये क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। और लो एंड हाई एंड लिटिल, ये क्या हैं? ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड हैं। और रुपीज, कैलोरीज और किलोग्राम, ये किस प्रकार के स्टैंडर्ड हैं? ये हैं कन्वेंशनल स्टैंडर्ड। तो 54 का जो है वो बी ऑप्शन यहाँ सही है। 55 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंजर्स ला ऑफ कंजम्पशन एज द इनकम इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड डिक्रीज। और इसका रीजन क्या है? रीजन बोल रहा है प्रायोरिटी चेंजेस विथ इंक्रीज द फैमिली इनकम, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। एंजल के उपभोग नियम के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है उसके अनुपात में भोजन पर होने वाला व्यय घटता है, ये क्या है? अभिकथन है। कारण क्या है? पारिवारिक आय के साथ वृद्धि होने पर प्राथमिकताएं परिवर्तित हो जाती हैं, ये क्या है? ये कारण है, ठीक है। तो 55 का जो यहाँ पे क्या सही है, यहाँ पे ए सही है कोड, ठीक है। ए एंड आर दोनों सही हैं, और जो आर है यानी कि कारण जो है वो अभिकथन का सही व्याख्या है, ठीक है। ए की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन यहाँ सही है 55 का ए। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, विच रेफरेंसेस टू प्रीनेटल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। पेपर थोड़ा साफ नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो मिला है पेपर, मांगने के बाद लोग देते नहीं हैं, तो आप लोग परेशान नहीं हो, ठीक है। हम अपलोड कर देंगे फेसबुक पर, अच्छा सा पेपर स्कैन करके जब आ जाएगा, और टेलीग्राम पे भी। तो अभी आप यही आंसर की मैच करवा लें। 56 का क्या है, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, विथ रेफरेंस द पर्सनल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। यानी कि जन्म पूर्व विकास के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे जो सही कथन है वो क्या है? केवल फर्स्ट कथन यहाँ पे सही है, ओनली फर्स्ट। एनी एनवायरनमेंट एजेंट दैट कॉज डैमेज ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड इज कॉल्ड एज टेराटोजन, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ टेराटोजन इज लिमिटेड टू द इनिशियल फिजिकल डैमेज, तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। ये कोड खाली सही है। कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड, ठीक है, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ सही है 57 का। 58 देखते हैं, कोडिंग है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। थिकनर थ्रेड इज प्रेपर्ड बाय रिंग फ्रेम देन म्यूल फ्रेम, ठीक है। और रीजन क्या है? बिकॉज रिंग फ्रेम इज अ फास्ट फ्रेम प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। वैसे इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पे हमारे हिसाब से जो है वो बी होना चाहिए, ए और आर जो है वो बहुत एंड आर दोनों करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। 59 देखते हैं, फॉर होम सेविंग्स फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। घरेलू बचत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? बैंक या डाकघर या दोनों? तो यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन यहाँ सही है 59 का। 60 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 42, और ये यहाँ पे भी दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एकाकी परिवार का लाभ नहीं है? उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत विकास का अवसर, या सामाजिक सुरक्षा, या आत्मनिर्भरता? तो 60वें का यहाँ पे क्या है? सी है सही ऑप्शन, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। ये लाभ नहीं है न्यूक्लियर फैमिली का। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, फीडबैक कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि प्रतिपुष्ट, जिसको फीडबैक बोलते हैं, संचार में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती? क्रिया को सुलभ करना, अधिगम को उन्नत करना, अवरोधों को हटाना, या श्रोताओं को सूचित करना। तो यहाँ पे कौन कौन से कोड जो है वो मैच कर रहे हैं, कौन कौन से फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पे? तो 61 का जो देखते हैं वो 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। 1, 3 और 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, 62 मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं, ठीक है। विच ऑर्गन आप ह्यूमन बॉडी स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन? लंग्स ऑफ स्टमक, लीवर एंड मसल्स, या स्टमक एंड मसल्स, या स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर? तो 62 का यहाँ पे क्या है? ये लीवर और जो मसल्स हैं वो ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ सही है 62 का।
बी। ठीक है, 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड, पोलियोमेलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस या कॉलरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पोलियोमेलाइटिस जो है वो जीवाणु के कारण नहीं होता है, बाकी ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। ये क्वेश्चन हम पोस्ट भी कर चुके हैं ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता माना जाता है। उक्त कथन शारीरिक विकास के किस नियम को उल्लेखित करता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी या प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन या प्रिंसिपल ऑफ रिदमेटिक डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ डिफिनिट डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, 64 का देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। 65 देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, कॉटन, लिनन, जूट और नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, वूल, हेम्प, सिल्क आर प्रोटीन फाइबर्स, एस्बेस्टॉस, ग्लास, मोड एक्रेलिक आर मिनरल फाइबर, रेयन, एसीटेट आर मैनमेड सेलुलोजिक फाइबर। ठीक है, तो 65 का यहाँ पे हम देखते हैं वो कौन सा ऑप्शन सही है, ऊन, हेम्प, रेशम, ये प्रोटीन तंतु हैं। ठीक है, ये असत वाक है, क्योंकि बूल और रेशम तो हैं लेकिन हेम्प जो है वो प्रोटीन फाइबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, इन विच पीरियड द एम्ब्रियो मेजर्स अबाउट हाफ इंच टू 2 inches लॉन्ग। ठीक है, किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई 1 inch से 2 inches तक होती है, बीज अवस्था यानी कि जर्मिनल स्टेज या ग्रेनुअल पीरियड या एम्ब्रियोनिक पीरियड या फीटल पीरियड। तो 66 का जो यहाँ पे है वो डी ऑप्शन सही है, फीटल पीरियड जो होता है वो उसमें भ्रूण की लंबाई 1.5 inch से 2 inches तक बढ़ती है। ठीक है, गर्भस्थ शिशु अवस्था जिसको बोलते हैं हम। 67 देखते हैं, हीमोग्लोबिन इज विच टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है, वनस्पतिक प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन या ड्राइव्ड प्रोटीन। तो 67 का देखते हैं यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन है, कंजुगेटेड प्रोटीन यानी कि संयुक्त प्रोटीन बोलते हैं हम किसको, हीमोग्लोबिन प्रोटीन को। सिलेक्ट 68 देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड गिवन। ठीक है, नीचे कोड दिए हैं उनका स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है, तो यहाँ पर देखते हैं कौन से स्टेटमेंट सही है। एक मार्क ग्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज एंड घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल, आटा, स्पाइसेस एंड हनी एज आर वॉलंट्री। ठीक है, तो ये तो सही है कोड फर्स्ट, एक मार्क ग्रेडिंग ऑफ टोबैको, वॉलनट, बासमती राइस, ऑनियन, पोटैटो फॉर एक्सपोर्ट इन कंपल्सरी। ठीक है, तो 68 का हम देखते हैं यहाँ पर क्या सही है, ये दोनों ही सही है यहाँ पे, क्योंकि ये सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं और ये ग्रेडिंग और मार्केटिंग जो होती है वो एक मार्क ही करता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ सही है। 69 का देखते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी बिलीफ दैट बिहेवियर इज, ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, इसका हम आंसर की जो देखते हैं फाइनल आंसर की में देखेंगे इसका क्या ऑप्शन है सही है, और हमारे हिसाब से यहाँ पर जो है वो सिर्फ ए ऑप्शन सही है। ठीक है, किशोरावस्था तक पूर्ण रूपेण स्थापित हो जाता है क्या, सोशल लर्निंग थ्योरीज बिलीव दैट बिहेवियर इज, कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, अल्बर्ट बंडूरा ने, और ये किस स्टेज तक डेवलप हो जाती है, वैसे जो होती है जो एडोलेसेंस तक ही होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ सही होगा 69 का। 670 देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट कैन डैमेज ईयर ड्रम ऑफ ह्यूमंस इज, यानी कि ध्वनि की तीव्रता जो मानव कान के पर्दे को छत पहुंचा सकती है वो कितनी होती है, 70 का यहाँ देखते हैं, 70 decibel से जो अधिक होती है, मोर देन 70 decibel वो डैमेज कर सकती है किसको, ईयर के पर्दों को। 71 देखते हैं, अथिन ट्रांसपेरेंट स्टिप कॉटन यूज्ड फॉर ड्रेस्ड नेक वियर एंड फ्रिल्स इज, यानी कि एक पतला पारदर्शी कड़ा सूती कपड़ा जो पोशाक गले के अलंकरण तथा झालर बनाने में प्रयुक्त होता है वो क्या, ऑर्गेंडी, सीफोन, टफेटा या खादी। ये क्वेश्चन देखिए हम पोस्ट भी कर चुके हैं, इन सारी चीज़ों को बताए थे ग्रुप में, सीफोन, टफेटा और खादी और ऑर्गेंडी। ठीक है, तो यहाँ पे 71 का क्या सही है, ए ऑप्शन सही है, जो ऑर्गेंडी जो है वो किस प्रकार का फैब्रिक है। ठीक है, 72 देखते हैं,
विथ रेफरेंस द डेवलपमेंट टास्क अरेंज दीज टास्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। ठीक है, पहला क्या है, बिगिंस टू डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट फेमिनिज्म एंड मैस्कुलिन सोशल रूल्स, और दूसरा क्या है, अचीविंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स, तीसरा क्या है, लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग, चौथा क्या है, टेकिंग ऑन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो 72 का देखते हैं सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, क्योंकि पहले आएगा सही एवं गलत में, गलत में भेद कर का अधिगम, और फिर आएगा क्या, यथोचित स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सामाजिक भूमिका का प्रारंभ, और फिर आएगा अभिभावकों एवं अन्य वयस्कों से संबंधित स्वतंत्रता प्राप्त करना, और फिर आएगा नागरिकी उत्तरदायित्व को लेना, टेकिंग ऑन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। 73 देखते हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेप्स इज द करेक्ट सिक्वेंस। ठीक है, अभी देखिए ऊपर पूछा था कि मैनेजमेंट की प्रोसेस कौन सी नहीं है, अभी एक क्वेश्चन और यहाँ पे आ गया इससे संबंधित, गृह प्रबंध एक प्रक्रिया जिसमें निहित चरणों का सही अनुक्रम है, कंट्रोलिंग है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और इवेल्युएटिंग। ठीक है, तो 73 का देखते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन यहाँ सही, सबसे पहले क्या आएगा, प्लानिंग आएगा, फिर आएगा ऑर्गेनाइजिंग आएगा, और फिर आएगा कंट्रोलिंग आएगा, और फिर आएगा इवेल्युएटिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, सिल्क एंड मैनमेड फाइबर्स ऑब्लिक यार्न आर मेजर्ड यूजिंग डेनियर सिस्टम, वन डेनियर इज द वेट इन ग्राम्स ऑफ हाउ मैनी मीटर्स ऑफ यार्न, तो इसका जो सिंपल सा आंसर है 9000 मीटर्स। ठीक है, वन डेनियर, यानी कि हिंदी वाले भी देख लेते हैं इसको, रेशम एवं मानव निर्मित धागों को डेनियर प्रणाली में नापा जाता है, एक डेनियर कितने मीटर धागे का ग्राम में वजन होता है, 9000 मीटर धागे का ग्राम में वजन होता है कितना, एक डेनियर। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं, उच्च वसा कोलेस्ट्रॉल के मरीज तथा हृदय धमनी रोग के मरीज के अनुसार उपचार हेतु न्यून कोलेस्ट्रॉल आर का उपयोग किया जाता है, और सेकंड क्या है, न्यून सोडियम यानी कि लो सोडियम आहार द्वारा लो कैलोरी तथा कुल दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता उपलब्ध होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, 75 क्वेश्चंस का यहाँ पे हम आंसर देखते हैं, ए ऑप्शन जो सही है, केवल कूट जो है वो फर्स्ट सही है यहाँ पे। 76 देखते हैं, गिव द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है, रतौंधी है या कैरेटीकरण है या जेराब्थैल्मिया है या करेटो मलेशिया है, तो इसका जो 76 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक है, 77 देखते हैं, 76 था और 77 देखते हैं, हैविंग अ कन्वर्सेशन विद को वर्कर इन्वॉल्व्स विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी कि सहकर्मी के साथ वार्तालाप के संप्रेषण का कौन सा प्रकार सन्निहित है, तो वो है हॉरिजॉन्टल। 77 का सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, और 78 देखते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन इज कम्युनिटी डेवलपमेंट बाज डेवलप्ड बाई, तो ये डेवलप्ड किया था किसने, लीगन्स ने। ठीक है, 78 का ए ऑप्शन यहाँ सही है, और 79 देखते हैं, पेरेंट्स वैल्यू देयर चिल्ड्रन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिले ऑन रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन व्हेन पेरेंटिंग, दिस पेरेंटिंग स्टाइल इज, क्या बोलते हैं इसको, कंटेम्प्रेरी या अथॉरिटेरियन या परमिसिव या अथॉरिटेटिव, तो इसको हम बोलते हैं अथॉरिटेरियन। ठीक है, सत्तावादी, बी ऑप्शन यहाँ सही है 79 का। 80 क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर्स टू बी एबल टू एडहेर टू ईच अदर इज कॉल्ड, यानी कि तंतु के आपस में जुड़ने की विशेषता क्या कहलाती है, समानता, परस्पर सटने की क्षमता या घनत्व या विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिवनेस बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है 80 का। 81 क्वेश्चन देखते हैं, BHA यानी कि ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एजा, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है 81 का। 82 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स विथ रेफरेंस द लैंग्वेज डेवलपमेंट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, 82 का यहाँ पे हम देखते हैं, 82 का यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है, सी सही है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, क्राइंग होगा, उसके बाद क्या होगा, कूइंग करेगा बच्चा, उसके बाद क्या करेगा, बबलिंग करेगा, उसके बाद वन वर्ड
बोलेगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही 83 देखते हैं। अरेंज द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट स्टेज, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा सा दिमाग लगा दो और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के माध्यमों को पहली से अंतिम अवस्था में क्रमबद्ध करना है। उपभोक्ता आएगा पहले कि थोक विक्रेता या उत्पादक या खुदरा विक्रेता, सबसे पहले क्या आएगा, मैन्युफैक्चरर आएगा, ठीक है। तो तीसरे का यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर आएगा, उसके बाद आएगा होलसेलर, ठीक है, फिर आएगा रिटेलर, फिर आएगा क्या, कंज्यूमर आएगा। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है 83 का। 84 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शियर्ड फ्रॉम लिविंग शीप, यानी कि जीवित भेड़ से निम्नलिखित किसकी कटाई की जाती है, फ्लैनल, मोयर, फ्लीस या फेल्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं, ठीक है। जीवित भेड़ से प्राप्त जो ऊन होती है उसको हम फ्लीस बोलते हैं। 85 देखते हैं, लिस्ट को मैच करना है फर्स्ट से सेकंड, और क्या दिया है इसमें, सिंपल यार्न दिए हुए हैं, ये होते हैं सिंगल यार्न, और ब्रेडेड यार्न दिए हुए हैं, ठीक है, और टेक्सचर यार्न दिए हुए हैं। तो ब्रेडेड यार्न क्या होते हैं, ये होते हैं जो इंटर ज्वाइनिंग थ्री और मोर यार्न, यानी कि तीन या तीन से अधिक धागे गूंथना, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडेड यार्न बोलते हैं, ठीक है। टेक्सचर यार्न क्या होते हैं, वो होते हैं क्वाइल टाइप, कर्ल टाइप, ये जो होते हैं ये टेक्सचर यार्न होते हैं। और ग्रैंडल के यार्न क्या होते हैं, टू और मोर कलर ट्विस्टेड थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो 85 का है वो ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है 85 का। 86 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, वसा या ग्लूकोज है, विटामिन है या खनिज लवण। तो इसका है ग्लूकोज, बी ऑप्शन यहाँ सही है 86 का। 87 देखते हैं, ड्राइंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू अबाउट 50% ऑफ देयर वेट एंड वॉल्यूम देन फ्रीजिंग टू प्रिजर्व इट इज नोन एज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रो फ्रीजिंग, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, डिहाइड्रो फ्रीजिंग बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर, बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो सेकंड पार्ट में होंगे, ठीक है। इसमें आपके कितने, किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, चेक के 43 से लेकर के 87 तक जो हमने करवाए हैं। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो कमेंट करें, वो क्वेश्चन सेकंड पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे तब तक, ठीक है। और सेकंड पार्ट के आंसर की हम थोड़ी देर में अपलोड करेंगे यहीं पर। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।